हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज असी पाठ शब्द बोध बारे पढ़ांगे। आज यह विशा पढ़ाउन दा मुख उद्देश है शब्दां दीआं किस्मां बारे अते सार्थक शब्दां दे अठ भेदां बारे जानकारी प्राप्त करना। सो स्टूडेंट्स, तुसी इस विषय नूं ध्यान नाल सुनोगे अते समझोगे। जिवें कि तुसी देख रहे हो, पप्पा, तत्ता, गग्गा, यह सब अक्षर हैं ते इन्हां अक्षरों के नाल लगा अते लगाखरां की वरतों की गई है। ठीक है, अक्षरां, लगा ते लगाखरां के सुमेल तो शब्द बनता है। अक्षरां के उस इकट्ठ नूं शब्द आखते हैं जिसका कोई अर्थ होवे। भाव, पप्पा, तत्ते नूं टिप्पी, गग्गे नूं कन्ना, उपर बिंदी, यह शब्द बनता है पतंगा। इस शब्द तो सानू पतंगा बारे जानकारी मिलती है। नैक्सट इज शब्द बोध व्याकरण का वह भाग है जिस तो सानू शब्दों की रचना, शब्दों के भेद, शब्दों के रूप आदि जानकारी मिलती है। नैक्सट तुसी देखोगे मम्मा प्लस टैंका प्लस रारा मटर, यह तीन अक्षर हैं अते इन्हां तिना अक्षरों नूं जोड़ के शब्द बन गया मटर। इस तरह ही नंबर टू कक्का प्लस बब्बा प्लस दो लैंकड़, तत्ता प्लस रारा, इन्हां चार अक्षरों अते लगा दी वरतों नाल यह एक शब्द बन गया कबूतर। सो विद्यार्थियों, शब्द छोटे तो छोटा भी हो सकता है अते वड्डे तो वड्डा भी हो सकता है, परंतु यह सारे शब्द जो कि अर्थ भरपूर हुंदे हैं। जिवें कि मटर तो सानू जानकारी मिलती है कि यह एक सब्जी है अते कबूतर तो जानकारी मिलती है कि यह एक पंछी का नाम है। क्लियर। नैक्सट करांगे शब्दां दीआं किस्मां। सो स्टूडेंट्स, तुसी इस विषय नूं भी ध्यान नाल सुनोगे अते समझोगे। सो शब्द दो प्रकार दे हुंदे हन, सार्थक अते निरार्थक। सब तो पहले असी डिस्कस करांगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन्ना शब्दां दा कोई अर्थ हुंदा है उन्हां नूं सार्थक शब्द कहिंदे हन। जिवें ग्लास, दुध, सब्जी, किताब एंड कापी, यह सारे शब्द जो कि सार्थक शब्द हैं। नंबर टू इज निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द जिन्ना शब्दों का कोई अर्थ नहीं हुंदा है उन्हां नूं असी निरार्थक शब्द कहते हैं। हुण यह निरार्थक शब्द मैं सार्थक शब्दों के नाल ही बोलांगी, तुसी सब ध्यान नाल इसनूं सुनोगे अते समझोगे। फस्ट नंबर इज ग्लास, ग्लूस, दुध, दद, सब्जी, सुब्जी, किताब, कतूब, लास्ट वन इज कापी एंड कूपी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ग्लूस, दद, सुब्जी, कतूब एंड कूपी, यह सारे शब्द निरार्थक शब्द मन्ने जाते हैं। यह शब्द जो कि इकल्ले कदी भी नहीं बोले जाते, जा इन्हों का कल्ले भी कदी प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हों की वरतों हमेशा सार्थक शब्दों के नाल ही की जाती है। यह शब्द निरार्थक होने के बावजूद भी भाषा का एक हिस्सा हैं। सो स्टूडेंट्स, यह सन शब्दों दीआं किस्मां, सार्थक शब्द अते निरार्थक शब्द। नैक्सट असी जानकारी प्राप्त करांगे शब्द भेद बारे। सब तो पहला तुसी यह समझोगे कि शब्द भेद की हुंदा है। व्याकरण विच बोले जां लिखे जांदे सार्थक शब्दां दे वख-वख भेद कीते जांदे हन, जिन्हां नूं शब्द भेद कहा जांदा है। सार्थक शब्दां दे मुख तौर ते अठ भेद हुंदे हन। इन्हां अठ भेदां नूं असीं अंग्रेजी विच पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहिंदे हां। क्लियर। जिवें कि तुसीं इस बारे पहला भी पढ़ चुके हो। हुण असीं इन्हां अठ भेदां बारे पढ़ांगे। फस्ट इज नाव,
सेकंड पड़नाव, थर्ड विशेषण, फोर्थ क्रिया, फिफ्थ इज क्रिया विशेषण, सिक्स्थ इज संबंधक, सेवंथ इज योजक, एट्थ इज विस्मिक। सो स्टूडेंट्स, यह सन सार्थक शब्दों के अठ भेद जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सो विद्यार्थियों, साडा अज का विशा शब्द बोध खत्म हुंदा है। तुसी इस वीडियो की सहायता नाल पाठ के पिछे दिती गई बैक एक्सरसाइज नू आप हल करोगे। मैनू आस है कि आप जी नू यह विशा समझ आ गया होवेगा। थैंक यू वेरी मच।